नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। पल पल की सारी अपडेट लगातार चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच रही होगी। शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन हुआ सफल, बिहार में होगा डोमोसाइल लागू। जी हां दोस्तों, डोमोसाइल लागू करने के लिए अब कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ साथ सभी विधायकों का समर्थन जो है वो मिलने लगा है। साथ ही साथ मांग भी तेज हो गई है कि बिहार में डोमोसाइल नीति जो है वो लागू की जाए। आप देख सकते हैं, खबर आ रही है कि शिक्षक अभ्यर्थी जो है लालू प्रसाद यादव से मिलने गए हैं और उनसे मिलके अपनी मांग रख रहे हैं कि नई नियमावली रद्द करने के साथ साथ डोमोसाइल जो है वो बिहार में लागू की जाए, क्योंकि बिना डोमोसाइल के बिहार में शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है उसका होना शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि इस प्रकार की प्रक्रिया में बाहरी अभ्यर्थियों को अगर मौका मिलता है, शिक्षक अभ्यर्थियों की नौकरी जो है खतरे में आ सकती है। देख सकते हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन सफल हुआ, हजारों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे। बिहार में डोमोसाइल लागू किया जाए, शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज की, क्योंकि एक ही मांग है कि देख सकते हैं लागू हो हर हाल में डोमोसाइल, बिहार में लागू हो, अन्य राज्यों की भांति बिहार के अभ्यर्थियों को भी डोमोसाइल का लाभ मिले। बिहार में होने वाले शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में केवल बिहार के अभ्यर्थियों के ही बिहार के अभ्यर्थी आवेदन करें, अन्य राज्यों की भांति बिहार में भी डोमोसाइल नीति लागू हो। इस प्रकार से अन्य राज्यों में डोमोसाइल लागू, जिस प्रकार से अन्य राज्यों में लिखा है यहाँ पे स्पष्ट रूप से, इस प्रकार से अन्य राज्यों में डोमोसाइल लागू है, उसी प्रकार देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि बिहार में भी डोमोसाइल लागू हो, बिहार के नौकरियों पर अन्य राज्य के अभ्यर्थियों का कब्जा ना हो, ऐसा बिहार के अभ्यर्थियों की मांग है। स्पष्ट रूप से देख सकते हैं क्या दयनीय स्थिति जो है अभ्यर्थियों की यहाँ पे बनी है, किस प्रकार के घसीट पसीट के अभ्यर्थियों को ले जाया गया है यहाँ पे, जिस प्रकार से आंदोलन हुआ है डाक बंगला चौराहे पे डोमोसाइल की मांग को लेकर देख सकते हैं। और कहा गया है, मांग की गई है कि डोमोसाइल जो है वो लागू किया जाए। दूसरी खबर आ रही है कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव व पूर्व सांसद श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के साथ राज्य प्रभा के संपादक श्री विजय कुमार सिंह, सचिव मंडल सदस्य श्री चंद्र किशोर कुमार एवं मृत्युंजय कुमार आज बिहार राज्य अध्यापक नियम 2023 में पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने के प्रावधान करने की मांग को लेकर पहुंचे। आप देख सकते हैं कि शिक्षक संगठन जो है नियमों और अध्यापक नियमों 2023 में पूर्व से कार्यरत जो भी शिक्षक है बिना शर्त राज्यकर्मी दर्जा देने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने ट्वीट किया, जानकारी दी है, और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव से मिले हैं और महासचिव ने श्री लालू प्रसाद यादव को महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र में नियुक्त शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन देने की प्रतिबद्धता का स्मरण भी कराया। श्री लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नई अधिसूचित अध्यापक नियम 2023 से महागठबंधन की साख पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। देख सकते श्री लालू प्रसाद ने बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव से मुलाकात की है और ये स्पष्ट रूप से जो मांग रखी गई है उस मांग पे श्री लालू प्रसाद ने यादव ने माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव को आश्वस्त भी किया है। यहाँ पे तो देख सकते हैं दोस्तों, मिले हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से, बातचीत करने पे भी यहाँ पे सहमति बनी है। लालू प्रसाद ने कहा है कि वो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री दोनों से बातचीत करेंगे। ये मुलाकात जो हुई है अब लग रहा है कि भाई कुछ सकारात्मक देखने को मिल सकता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं लालू प्रसाद यादव जी हैं, इधर स्पष्ट रूप से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए लालू प्रसाद यादव हैं इधर, और इधर जो हैं शत्रुघ्न प्रसाद जी शिक्षक संगठन के नेता, और सभी लोग मिले हैं। तो स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि अच्छी अपडेट आ सकती है। दोस्तों, स्टूडियो में इतना, धन्यवाद, जय हिंद।